बड़ी मीटी आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, राजस्थान से। अभी बिजली संकट दूर भी नहीं हुआ, एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान में अब पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। राजस्थान में पहली बार ये हालात हुए हैं कि 3000 पंप सूखने की कगार पर है। 24 घंटों में सप्लाई नहीं हुई तो 500 पंप बंद हो जाएंगे। पाली जिले में तो SRO रिलायंस के 14 पंप पर अभी से ताले लग गए हैं। प्रदेश में 15-20 दिन पहले ही रिलायंस और SR के 1500 से ज्यादा पंप बंद कर दिए गए हैं। यानी कि राजस्थान में कोयले की कमी के साथ अब पेट्रोल और डीजल की किल्लत भी शुरू हो गई है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर और किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर, ब्याज नहीं चुकाने वाले किसानों के पास एक मुफ्त समझौता योजना का लाभ लेने का अंतिम मौका है। सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसान 30 जून तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं, अवधि पार किसानों को ब्याज और दंडनीय ब्याज 50% तक माफ किया जाएगा। कृषि और अकृषि ऋण 1 जुलाई 2021 तक अवधि पार हो चुके किसानों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों का ब्याज माफ हो जाएगा। गहलोत सरकार ने दावा किया है कि हमने 12 करोड़ से ज्यादा ऋणों का ब्याज माफ कर दिया है। सहकारिता मंत्री ने बताया है कि ऐसे अवधि पार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवारों को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी है। यानी कि ऐसे प्रकरणों में वारिस को केवल बकाया मूलधन ही जमा कराना होगा। लेकिन फिलहाल किसानों के पास अभी 15 दिन का समय बचा है। ऐसे में जिन किसानों ने अब तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है वह अपना बचा हुआ ऋण का ब्याज चुकाकर लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सरकार की यह योजना केवल इसी महीने तक लागू है। ऐसे में जुलाई से अवधि पार किसानों को एक मुफ्त समझौता योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर किसी किसान ने सरकार से कर्ज ले रखा है और किसान किसी कारणवश अभी भी इस सरकार का कर्ज है वो जमा नहीं कर पाया है, अवधि पार हो गया है, तो अवधि पार किसानों को ब्याज और दंडनीय ब्याज 50% तक माफ किया जाएगा। यानी कि मूलधन तो किसानों को जमा कराना ही होगा। हालांकि सरकार ने यह वादा जरूर किया था कि अगर हमारी सरकार राजस्थान में आई तो 10 दिनों में संपूर्ण कर्जा माफ होगा। हालांकि गहलोत सरकार का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। सरकार का कहना है कि हमने अपने हिस्से का लोन है वो माफ कर दिया है, अब केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए ताकि किसानों का कर्जा माफ हो सके। अगली बड़ी खबर, जयपुर से दिल्ली का लग्जरी सफर अब 30% महंगा हो गया है। राजस्थान रोडवेज ने सुपर लग्जरी वोल्वो बस के किराए में 200 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। यह रोडवेज का बढ़ा हुआ किराया 1 जुलाई से लागू होगा। यानी कि अब अगर आप 1 जुलाई के बाद जयपुर से दिल्ली जाते हैं वोल्वो बसों में, यानी कि एयर कंडीशनर वोल्वो बसों में, तो 900 रुपए आपको किराया देना होगा। दरअसल जयपुर से दिल्ली के लिए रोज 13 से ज्यादा वोल्वो बसों का संचालन हो रहा है। हालांकि बाकी रोडवेज की बसों में आप दिल्ली तक यात्रा करेंगे तो वही पुराना वाला किराया आपको देना होगा, लेकिन राजस्थान रोडवेज ने सुपर लग्जरी वोल्वो बस के किराए में 200 रुपए बढ़ा दिए हैं। अगली बड़ी खबर और देश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मोदी सरकार करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, सेना भर्ती में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इसके तहत सिर्फ 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। भर्ती के लिए उम्र 17.5 से 21 साल रहेगी। 10वीं या 12वीं पास कर चुके युवा अप्लाई कर सकते हैं। पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। वहीं देखिए, नौकरियों के लिए आज से केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सरकार अगले 1.5 साल में करीब 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देगी। यह भर्तियां केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में खाली पड़े पदों पर होगी। मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की रिव्यू बैठक के बाद यह आदेश दिया है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं, बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों को प्री मानसून ने तर बतर कर दिया है। अब जानते हैं पूरे राजस्थान का मौसम आगे कैसा रहेगा। तो देखिए, आज 15 जून है और आज से बारिश का दौर है वो हल्का पड़ जाएगा और आसमान लगभग साफ होने लगेगा। हालांकि हो सकता है कुछ स्थानों पर दोपहर के बाद हल्के बादल दिखाई दे, लेकिन यह बादल अब ज्यादा बारिश नहीं दे पाएंगे। लेकिन किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है, अब मानसून भी तेज गति से आगे रहा है। मंगलवार को मानसून 2022 महाराष्ट्र से सटे गुजरात तक पहुंच चुका है। यानी कि मानसून
मानसून 2022 अब राजस्थान से ज्यादा दूर नहीं है। 10 दिन के बाद राजस्थान में भी मानसून की झमाझम शुरू हो सकती है। तो फिलहाल यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।